हिंदू धर्म में नवरात्र का पर्व बहुत महत्व रखता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के मुताबिक साल में 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र, 1 चैत्र माह की नवरात्र तथा दूसरा शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि से ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। हिंदू पंचांग की माने तो इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। आश्विन माह में शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, शायद यही वजह है कि इसे शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि इस बार शारदीय नवरात्र में माता जगत जननी जगदम्बा किस पर सवार होकर आएंगी। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि माँ जगत जननी जगदम्बा आखिर किस पर सवार होकर नवरात्र में आ रही हैं और क्या है धार्मिक मान्यता। 15 अक्टूबर शुभ दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। अब की बार की नवरात्रि में भगवती का वाहन हाथी होगा। धर्म ग्रंथों के मतानुसार जब नवरात्रि का आरंभ रविवार अथवा सोमवार से हो तो महाशक्ति का वाहन हाथी होता है। हाथी पर भगवती का आगमन किसानों के लिए लाभकारी है, मौसम अनुकूल रहेगा और फसलों में भी उनको लाभ होगा। हर प्रकार से किसानों के लिए हाथी पर भगवती का शारदीय नवरात्रि में आरंभ कल्याणकारी और शुभ है। जो भाई बहन भूमि संबंधी कार्यों में संलग्न हैं उनके लिए भी यह समय शुभ और कल्याणकारी है। भगवती की कृपा सभी सनातनी भाई बहनों पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। जय माई की।